नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह और आप इस वक्त हमारे साथ देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज पर खबरें फटाफट। कुशीनगर जनपद के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस को कड़ी मशक्कत के बाद एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 21 मवेशियों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से एक असलाह भी बरामद हुआ है। गाजीपुर जनपद में वैलेंटाइन डे के दिन हुई एक युवक की हत्या में पुलिस ने शनिवार को 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 3 आरोपी मृतक ज्ञानेंद्र के दोस्त बताए जा रहे हैं। गाजीपुर जनपद के पीरनगर में आयोजित 2 दिवसीय स्वाति देवमुनि सिंह स्मारक राज्य स्तरीय इनाम वाली बाल प्रतियोगिता का शुभारंभ सामाजिक कार्यकर्ता विवेक कुमार स्वामी के द्वारा किया गया। अपना नाम बता दें। मैं संजय सिंह, पुत्र स्वर्गीय देवमुनि सिंह, मोहल्ला राजेंद्र नगर से। संजय जी, आज ये जो बालीबाल आप लोग करा रहे हैं, ये बालीबाल कितने दिनों से करा रहे हैं और क्या उद्देश्य है इस बालीबाल को कराने का? अपना नाम बताएं। ये बालीबाल पिछले 7 वर्षों से कराया जा रहा है और जनपद में बालीबाल का क्रेज कम है। बालीबाल को प्रोत्साहन देने के लिए हम हर साल बालीबाल कराते हैं, जिससे बालीबाल खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है। और जनपद के घोसी विधानसभा प्रत्याशी विवेक राय ने आरोप लगाया है कि सपा विधायक के सह पर इनके गुर्गों ने चुनाव न लड़ने व पर्चा वापस लेने की धमकी दी है। वहीं पे एक स्कॉर्पियो आई, हमको ओवरटेक की तो हमने मैं रुक दिया गाड़ी। उसके बाद उसमें से 3-4 लोग उतरे, लंबे चौड़े थे, मतलब ड्राइवर थे, 5 लोग गाड़ी में थे। वो कहे कि अरे चुनाव मत लड़ो, जो है तुम्हारे लड़ने की वजह से विधायक जी को नुकसान पहुँच रहा है। कौन? अभी ये सुधाकर सिंह, तो ये वर्तमान में वही सपा के विधायक है। अच्छा, कि आप पर्चा वापस ले लीजिए और प्रचार मत करिए। प्रचार जो है अपना जो है गांव में उल्टा सीधा हम लोगों को कहिए मत। तुम सीधे साधे शरीफ आदमी हो, तुमको कोई गाड़ी से धक्का मार दे चलने के बाद, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद मैं यहां पे आया। और मऊ जिले में बाहुबली विधायक की रिहाई के लिए मंदिरों मस्जिदों में प्रार्थना व दुआ के लिए लोगों ने मन्नतें मांगी। आपको बता दें कि दिल्ली के 30,000 कोर्ट में चुनाव के प्रचार के लिए मुख्तार अंसारी की पैरोल पर रिहाई के लिए सुनवाई हो रही थी। उनकी रिहाई के लिए लोगों ने मंदिरों व हवन पूजा की प्रार्थना व मस्जिदों से दुआ की प्रार्थना की जारी रही है। जी, मैं अशोक नदी मुतालिम जामा में इफ्ताहूँ मंदिर पंजो। नहायत खुशी की बात है कि मुख्तार अंसारी को पैरोल मिलने वाली है और पूरे मऊ में ये एक लहर सी दौड़ गई है और खुशी हो गई है। सब जितने भी लोग हैं सब खुश हो चुके हैं कि आज मुख्तार अंसारी को इंशाअल्लाह सुबह इंशाअल्लाह पैरोल मिलेगी। इसके लिए सब लोग दुआगो भी हैं, दुआ भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करेंगे भी। मऊ की सियासत में आज एक और भूचाल आ गया है, जब भाजपा सांसद हरिनारायण राजभर व समर्थित प्रत्याशी अशोक सिंह ने रिटर्निंग अधिकारी पर उंगली उठाते हुए सिंबल चुराने का आरोप लगा दिया। तो रिटर्निंग अफसर है वो किसी राजनैतिक प्रेशर और गुंडे माफियों के दबाव में आकर के पर्चा को सिंबल चुरा लिया है। अब तक इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।